नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यश तिवारी और आप देख रहे हैं क्रिकेट फटाफट का 257वां एपिसोड। आज है 10 अप्रैल 2021 और रोज की तरह आज भी आईपीएल की खबरों की बाढ़ आई हुई है। दोस्तों, महेंद्र सिंह धोनी के संन्यास को लेकर बड़ी रिपोर्ट, ब्रेकिंग न्यूज आपको बताएंगे। पहला मैच जो हुआ था उसमें कई सारे रिकॉर्ड बने और टूटे हैं, उस पर भी रिपोर्ट बताएंगे। दिन भर की 10 बड़ी खबरें लेकर हाजिर है, इंटरेस्टिंग वीडियो है, एंड तक जरूर देखें। दोस्तों, हमारी टीम ने बहुत मेहनत की है इन सारी खबरों को एक साथ आप तक पहुंचाने के लिए, तो आप भी हमें एक छोटी सी हेल्प कर सकते हैं। अगर आप भी आईपीएल के फैन है तो यहाँ कहीं नीचे से लाइक बटन को अभी कीजिए, वीडियो को भी लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चलिए जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज दिन भर की पहली बड़ी रिपोर्ट, पहली बड़ी न्यूज के हवाले से। तो ये खबर सुरेश रैना को लेकर आ रही है। दोस्तों, दिल्ली के कोच है रिकी पोंटिंग और रिकी पोंटिंग का बड़ा बयान आ गया है रैना को लेकर। उन्होंने साफ कहा है कि पिछले साल चेन्नई सुपर किंग्स की टीम की दुर्गति जरूर हुई थी, लेकिन इस साल सुरेश रैना की एंट्री उन्हें अमृत की तरह मिल सकती है, एक बूस्ट देगी। साथ ही दोस्तों, दिल्ली की टीम अपना जो पहला मैच खेलेगी चेन्नई के खिलाफ, उसमें रैना के खिलाफ स्पेशल प्लानिंग भी कर रहे हैं। ये बात रिकी पोंटिंग जो कि दिल्ली के कोच है उन्होंने कही। साफ है दोस्तों, रैना की एंट्री से चेन्नई के फैंस को भी बहुत ज्यादा मजा आ रहा होगा। अगर आ रहा है तो कमेंट में बताइए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात कर लेते हैं दिन भर की दूसरी बड़ी खबर की। तो भाई, आईपीएल का जो पहला मैच था उसमें आरसीबी की टीम ने झंडे गाड़ दिए हैं। मुंबई इंडियंस को बड़े क्लोज मैच में आरसीबी ने हरा दिया, आरसीबी भी जीत गई और वीवीएस लक्ष्मण के खिलाफ हम भी जीत गए। दोस्तों, हमने टीम बनाई थी टेलीग्राम पर, मैंने टीम भी आपको बताई थी वीवीएस लक्ष्मण के खिलाफ। आप देख पा रहे होंगे हमने वीवीएस लक्ष्मण को हरा दिया, लक्ष्मण की टीम को हरा दिया और आप भी हरा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स खोलिए, फटाफट जाइए माई 11 सर्कल ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। लक्ष्मण की टीम को हराएंगे तो दुगने से लेकर 5 गुने तक का भी पैसा आपको मिल सकता है। साथ ही सिर्फ 1 रुपए में 1 करोड़ रुपए आप जीत सकते हैं। रणवीर भैया अपने कॉन्टेस्ट खिला रहे हैं, यहाँ पर 1 रुपए की इन्वेस्टमेंट करेंगे 1 करोड़ रुपए जीत सकते हैं। इसीलिए बोल रहा हूँ डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स अभी खोलिए, क्योंकि नीचे वाली लिंक से खोलकर आप जैसे ही इस ऐप को डाउनलोड करेंगे, यहाँ पर अपना पहला पैसा डालेंगे तो इस ऐप की तरफ से 1500 रुपए और 20% का स्पेशल डिस्काउंट भी आपको मिल जाएगा। सौरव गांगुली, अजिंक्य रहाणे, वीवीएस लक्ष्मण, रणवीर भैया सब लोग यहीं पर खेलते हैं। पैसे डालना निकालना प्ले 11 बनाना बहुत आसान है और बहुत सारे लोग जीत भी चुके हैं। करोड़ों रुपए के लीडर बोर्ड कॉन्टेस्ट भी चल रहा है, देर मत कीजिए दोस्तों। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स खोलिए, माई 11 सर्कल ऐप को भी डाउनलोड कीजिए। This game involves an element of financial risk and may be addictive. Please play responsibly at your own risk. चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं दिन भर की तीसरी बड़ी खबर की। तो ये रिपोर्ट आईपीएल में पॉइंट्स टेबल और नेट रन रेट के हवाले से निकल कर आ रही है। आरसीबी की टीम ने पहला मैच जीत लिया था, लेकिन भाई पॉइंट्स टेबल का तो कोई फायदा ही नहीं हुआ आरसीबी की टीम को। आरसीबी की टीम बहुत ही क्लोज मैच जीती थी, इसलिए आप पॉइंट्स टेबल देख पा रहे होंगे। बहुत ही हल्का मार्जिन इन्हें नेट रन रेट में मिला है, जो कि अगर एक बड़े अंतर से आरसीबी हार जाती है तो नेगेटिव हो जाएगा। तो आरसीबी के लिए जरूरी था कि बड़े अंतर से मैच जीते, क्योंकि अभी से जीतना चालू करेगी कोई भी टीम तो आगे फायदा होगा, लेकिन नेट रन रेट का कोई भी फायदा आरसीबी को नहीं मिला है और कोई बहुत बड़ा नुकसान मुंबई को भी नेट रन रेट का नहीं हुआ है। पॉइंट्स टेबल की ये पहली अपडेट हमने आप तक पहुंचा दी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात कर लेते हैं अब दिन भर की चौथी बड़ी खबर की। तो चेन्नई सुपर किंग्स की टीम में एक नए खिलाड़ी की एंट्री हुई है, नए जानदार और शानदार प्लेयर की एंट्री हुई है, नाम है जेसन मैरेंड्रॉफ। जेसन मैरेंड्रॉफ पहले भी मुंबई इंडियंस की टीम का हिस्सा रह चुके हैं, आईपीएल से जुड़ चुके हैं। जॉस हेजलवुड की रिप्लेसमेंट के रूप में वेरेंड्रॉफ चेन्नई की टीम का हिस्सा होंगे। हालांकि एक चीज और बता दूं कि शुरुआती 2 मैचेस जो चेन्नई के होंगे उसमें वेरेंड्रॉफ अवेलेबल नहीं होंगे, क्योंकि उनका क्वारंटाइन चलेगा। हालांकि ऑस्ट्रेलिया से रवाना हो गए हैं, 7 दिन का क्वारंटाइन वो करने वाले हैं। हालांकि दोस्तों, वेरेंड्रॉफ को लेकर ये खबर हमने पहले ही आपको टेलीग्राम पर दे दी थी और इसीलिए मैं बोलता हूँ आपसे कि हम टीम भी देते हैं टेलीग्राम पर, न्यूज भी देते हैं, व्यूज भी देते हैं। अगर आप आईपीएल के फैन है तो क्या कर रहे हो भाई, टेलीग्राम पर जाइए, द रियल एमसीपी को सर्च कीजिए। 47,000-48,000 लोग परिवार का हिस्सा बन गए, आप भी बन जाइए। फैंटेसी टीम तो रोज देते हैं जो लक्ष्मण के खिलाफ हम लगाते हैं। फेक चैनल भी 58,000 फॉलोअर्स का, उसे फॉलो मत कीजिएगा। रियल चैनल को अभी फॉलो कीजिए टेलीग्राम पर जाकर, द रियल एमसीपी को अभी सर्च कीजिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात कर लेते हैं दिन भर की पांचवी बड़ी खबर की। तो दोस्तों, ये जो रिपोर्ट निकल कर आ रही है ये लंदन यूके में आईपीएल मैचों की एंट्री से निकल कर आ रही है। दोस्तों, वैसे तो हमने बहुत हद तक यही सोचा है कि यूएई में आईपीएल मैचेस हो सकते हैं या साउथ अफ्रीका में आईपीएल मैचेस हो सकते हैं, लेकिन इंग्लैंड में भी हो सकते हैं, क्योंकि इंग्लैंड के जो लंदन है, लंदन शहर के मेयर ने बड़ा बयान दिया है, वो चाहते हैं कि आईपीएल मैचेस लंदन इंग्लैंड में भी खेले जाए। इंग्लैंड में अगर आईपीएल मैचेस होते हैं तो टी20 क्रिकेट का एक अलग उत्साह
पूरे अंग्रेजी आइलैंड पर जो है वो हो सकता है, मतलब इंग्लैंड देश पर हो सकता है। अब ये इनका मानना है, लेकिन बीसीसीआई ऐसा कराने नहीं वाला, क्योंकि दोनों ही देशों के अंदर टाइम जोन का बड़ा डिफरेंस होता है। वहां पर सुबह मैचेस तो यहाँ पर शाम को, मतलब बड़ी खिचड़ी पक जाएगी। लेकिन उन्होंने ये बात इच्छा जताई, इससे पता लगता है आईपीएल कितनी बड़ी चीज हो चुका है, कितना बड़ा ब्रांड हो चुका है। और आईपीएल के लिए एक लाइक यहाँ पर तो भाई बनना चाहिए, लाइक जरूर कीजिए वीडियो को। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात कर लेते हैं दिन भर की छठवीं बड़ी खबर की, तो महेंद्र सिंह धोनी के हवाले से बहुत बड़ी रिपोर्ट कल से ही ब्रेक हो रही है और लगातार आती जा रही है। दोस्तों महेंद्र सिंह धोनी का इस साल आखिरी आईपीएल है या नहीं है, ये अभी भी बहस का इशू है। लेकिन धोनी ने इस साल चेन्नई सुपर किंग्स का कोई भी वाइस कैप्टन अभी तक नियुक्त नहीं किया है। रिपोर्ट दोस्तों ये है, और ये रिपोर्ट मैं आपको रांची के सोर्सेस के हवाले से बता रहा हूँ, जो उनका गृह निवास है, होम टाउन है, कि वो इस साल आखिरी आईपीएल खेल रहे हैं। एक और रिपोर्ट यह है कि इस साल उन्होंने वाइस कैप्टन इसीलिए नहीं बनाया है क्योंकि वो संन्यास लेंगे और किसी नए खिलाड़ी को उस गद्दी पर बिठाना चाहते हैं कप्तानी की, इसलिए वो अभी वाइस कैप्टन नहीं बना रहे हैं, वो सभी को देख रहे हैं। लेकिन कल एक रिपोर्ट चेन्नई सुपर किंग्स के मैनेजर्स ने भी कही, सीएसके के मैनेजर ने ये कहा कि जो धोनी है वो अगले साल का आईपीएल भी खेलेंगे। अब खिचड़ी पक रही है भाई संन्यास को लेकर, कि संन्यास इस साल होगा कि अगले साल होगा। रांची के सूत्र बोल रहे हैं कि इसी साल संन्यास होगा, और संन्यास होगा तो इस साल फिर फेयरवेल आईपीएल चल रहा है धोनी का, ये अपने आईपीएल का पहला मैच खेलेंगे, लास्ट आईपीएल का, और नहीं तो फिर अगले साल होगा। और बड़ी खिचड़ी पक रही है इस पर, हम बहुत एक्सक्लूसिव अपडेट, बहुत बड़ा खुलासा बहुत जल्दी करने वाले हैं, और बहुत बड़े किसी सोर्स को भी आपसे मिलवाएंगे। तो इसीलिए बोल रहा हूँ भाई, चैनल के साथ बने रहिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करते रहिए वीडियो को, क्योंकि बहुत बड़ी एक्सक्लूसिव न्यूज धोनी के संन्यास पर इस साल हम देने वाले हैं। अभी आई है कि हो सकता है इसी साल, आगे और देंगे बड़ी बड़ी अपडेट्स। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात कर लेते हैं दिन भर की सातवीं बड़ी खबर की, मुंबई इंडियंस की टीम ने स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर को ब्रेक कर दिया है। जो पहला मैच हुआ था आरसीबी और मुंबई की टीमों के बीच, उसमें हर टीम को जो नियम है कि एक इनिंग में 90 मिनट से ज्यादा कोई भी टीम फील्ड पर नहीं बैटिंग करनी चाहिए, बॉलिंग करनी चाहिए, लेकिन मुंबई इंडियंस की टीम ने 109 मिनट बल्लेबाजी की थी, और इसी तरह आरसीबी की टीम ने उसी दौरान 109 मिनट गेंदबाजी की थी। अब बैटिंग को लेकर ही एसओपीज है, तो मुंबई इंडियंस पर सवाल उठाएंगे, और इसको लेकर मैच रेफरी ने जो है मतलब खाता चालू कर दिया है, और ये देखा जा रहा है कि किसकी गलती से इतनी लंबी ये इनिंग खिंच गई, वरना मैच और जल्दी पहले खत्म हो जाता। अब आप बताइए, क्या इस तरह का नियम सही है, गलत है, क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? यूट्यूब में कमेंट बॉक्स आपके लिए ही दिया है, तो कमेंट कर अपनी राय जरूर दीजिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात कर लेते हैं दिनभर की आठवीं बड़ी खबर की, तो ये रिपोर्ट आ रही है देवदत्त पड्डीकल के हवाले से। देवदत्त पड्डीकल कोरोना पॉजिटिव हुए, फिर नेगेटिव हुए, और डायरेक्टली ही नेगेटिव होने के बाद उनकी एंट्री आरसीबी की टीम में कर दी गई, हालांकि उन्हें 7 दिनों का क्वारंटाइन नहीं किया गया। इसको लेकर आईपीएल की दूसरी टीमें बीसीसीआई से नाराज नजर आ रही है। इनसाइड स्पोर्ट्स की खबर है कि दूसरी टीमों ने बीसीसीआई से कहा है कि पड्डीकल को ये लेवरेज क्यों दिया गया, आरसीबी को ये लेवरेज क्यों दिया गया कि उन्हें बिना 7 दिन के क्वारंटाइन की एंट्री दे दी गई। तो सब बात कर लेते हैं दिनभर की नौवीं बड़ी खबर की, तो भाई हर्षल पटेल ने बड़ा रिकॉर्ड बना लिया। आईपीएल के पहले मैच में मुंबई आरसीबी के बीच जो मैच हुआ था, उसमें हर्षल पटेल ने फाइवर लिए थे, मतलब 5 विकेट लिए थे एक ही मैच में। तो इस फाइवर लेने के बाद वो मुंबई इंडियंस के खिलाफ आईपीएल इतिहास में पहले गेंदबाज बन गए हैं जिन्होंने 5 विकेट हॉल लिया है, और मुंबई इंडियंस के बड़े रिकॉर्ड को, मतलब मुंबई के खिलाफ किसी ने 5 विकेट हॉल लिया नहीं था, उसे इन्होंने तोड़ा है हर्षल पटेल ने इंडियन बॉलर के रूप में। एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है, इसके लिए एक लाइक तो भाई बनना चाहिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात कर लेते हैं दिनभर की दसवीं बड़ी खबर की, वर्ल्ड टी20 जो अगले साल भारत में होने वाला है उसको लेकर बड़ी अपडेट आई है। आईसीसी ने वर्ल्ड टी20 का बैकअप प्लान तैयार कर लिया है। भारत में बढ़ते कोरोना मरीजों और कोरोना विस्फोट को देखते हुए आईसीसी यूएई को बैकअप बनाकर चल रहा है। आईसीसी ने कहा है कि अगर भारत में स्थिति सामान्य नहीं होती है तो भारत में वर्ल्ड टी20 नहीं होगा और फिर यूएई में कराया जाएगा। इस पर आप अपनी राय फिर बोल रहा हूँ कमेंट में जरूर दीजिए, सही है या गलत है। तो दोस्तों तो थी दिन भर की 10 बड़ी खबरें। माय 11 सर्कल ऐप पर अकाउंट बनाना मत भूलिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइए।